And in this particular category, now we will discuss different kinds of questions. Kuch questions bache bahut easy honge, kuch thode bahut difficult bhi ho sakte hain. But aapko is format mein kya karna hai, discuss karna hai. Check kijiye. कैसे एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया तो हम उसी को लेते हैं कि किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं. और कैसे हम उन क्वेश्चंस को डिफाइन कर, चेक कीजिए. वन, मैं उतना परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बच्चे, ठीक, बट कुछ इस तरह से क्या है दिया हुआ आपके पास. सर्कल्स भी इक्वल है, ओके. व्हाट इज सेड, find the area of the shaded region and this is a square of 14 centimeter. और हमें ये वाला shaded region क्या करना है, जितने जहां जहां भी है वो क्या करना है, find out करना. आपकी book में ये shade किया होगा, okay. तो let us start with that questions. हम सबसे पहले बच्चे किस चीज पे फोकस करेंगे, यू नो दैट वेरी वेल कि ये अगर स्क्वायर है तो टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल, क्या होने वाला है, 14 इंटू 14. किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसमें नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक. द नेक्स्ट वन इज कि हम यहां पे एक चीज पे फोकस करेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंगल सर्कल. और सिंगल सर्कल के एरिया को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी फाइंड द आंसर कि हमारे पास किस तरह से क्या होगा, फॉर्मेट होगा, ओके. तो इसी को आगे लेके चलता हूं. अच्छा, इसमें एक चीज और प्रॉब्लम है बच्चों को कि व्हाट इज द रेडियस. बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये टोटल साइड कितनी, 14. इसका मतलब ये टोटल कितनी होगी, 7. और 7 का हाफ क्या हो जाएगा, 7/2, विच इज अ रेडियस. तो हम सिंगल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चे, 4 से. दिस इज द एरिया ऑफ टोटल 4 सर्कल्स. तो सॉल्व कीजिए, 22/7, 49/4 इंटू 4, कैंसिल कर दीजिए बच्चे, ठीक. और आप जानते हैं जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपका क्वेश्चन क्या आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम क्या कॉमन माइनस कर रहे हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. आई थिंक आप सबको इसके बारे में क्या लग गया होगा, पता लग गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मेट आ रहा होगा, ठीक. ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन किस तरह का यह है या किस तरह का हम इसमें क्वेश्चंस ले रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था एंड नाउ आई कम टू योर। अच्छा, एक्सरसाइज करने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जांपल में, ठीक, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन इज, ही सेड, कुछ इस तरह से उसने एक फ्लावर पॉट सा बनाया, ये पेटल्स से बने हुए हैं एक ही उस फॉर्मेट, ठीक। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ दिस वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये ए बी सी डी है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक चीज आपको जो देखनी है वो ये देखनी है कि आप इस तरफ से एक क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल ड्राउन करें। चेक कीजिए दिस सेमी सर्कल, इस साइड से एक और सेमी सर्कल ड्राउन कर रहे, इस साइड से एक और सेमी सर्कल ड्राउन कर रहे और इस साइड से एक और सेमी सर्कल क्या कर रहे हैं, ड्राउन कर रहे। व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, ही सेड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। हमने किस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना बच्चे, हल्के फुल्के से क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे चलूंगा। हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ए का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये किस पे बन रहा है, एक स्क्वेयर साइड पे ही क्या हो रहा है, बन रहा है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे, कैसे हम करें। 4 सेमी सर्कल्स हैं एंड यू नो इट वेरी वेल कि आगे क्या होने वाला है, या आगे मैं इसमें किस तरह से क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो चेक कीजिएगा, ठीक, सबसे पहले। अच्छा, अगर इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे आपको, ठीक, और दो तरह से आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जब आप इसको डिफाइन करो, ठीक, कि हमारे पास इस तरह का ये फॉर्मेट हो सकता है या इस तरह का फॉर्मेट हम इसमें कर सकते हैं। चेक कीजिए कैसे। ओके, क्वेश्चन आपका ये रहा कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन क्या करूंगा। थोड़ा सा पहले आप देखिए कि मैं इसको ऐसे करने जाऊं, मैं आपसे पूछूंगा किसी से, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं आता हूं आपके पास कि हम इसको ऐसे करें। वेरी गुड, नहीं आंसर नहीं मैंने बच्चे पूछा, मैंने आपको आंसर नहीं कहा।
देखिए दो पोर्शन है इसमें जो हम इसमें डिफाइन करेंगे. यस प्लीज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. अगर हम स्क्वायर को सर फोर स्क्वायर्स में डिवाइड कर दें सर, एक लीफ एक स्क्वायर के अंदर, सर एक प्लस का साइन बीच में ड्रॉ करके. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम इसको ऐसे कर दें. यस सर. फोर इक्वल पार्ट्स में. ठीक. यस सर. सर अब इसमें से हम कोई भी एक स्क्वायर को चूज कर लेंगे सर, उसकी लीफ का एरिया निकालने के लिए. बस इसी पे आने जाता था. वेरी गुड विकेश. देखिए आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि हम यहाँ पे हमने ये ड्राउट कर दिया. एक स्क्वायर को पकड़िए इसको. ठीक. ईच साइड कितनी होगी बच्चे? फाइव एंड फाइव. अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है कौन से वाला. ठीक. इसी फॉर्मेशन का. हाँ जी बच्चे आगे कैसे मूव करें. वेरी गुड. यस सर. सर अब सर हमें इसकी स्क्वायर की साइड पता चलेगी फाइव एंड फाइव. तो सर एरिया ऑफ लीफ इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर अपॉन सेवन. तो सर हम ए की जगह फाइव पुट करेंगे सर, आंसर आ जाएगा एक. एक चीज देखिए, क्या ये सबको पता चल गया बच्चे? ये जो अभी बताया गया आपको, आपको एरिया पता है कौन सा फाइंड आउट करना है या किस एरिया की मैं बात कर रहा हूं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए. ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ साइड एंड सेमी सर्कुलर राउंड विच ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर. ठीक है. शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. दैट मींस हम इस पोर्शन के एरिया में जा रहे हैं बच्चे. इस पोर्शन के एरिया, सॉरी इस पोर्शन के लिए. यस मोक्षिता. सर हम लोग मींस इस स्क्वायर में से टू सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर सकते थे ना. बस दैट्स ऑल. और क्या करना है सर? सो हमारा आ जाता मींस. बिल्कुल ये भी आ जाता. ओके सर. इसको फिर बाद में हम फोर से मल्टीप्लाई कर दें. फिर मोर से मल्टीप्लाई कर दो. सीधा स्क्वायर के एरिया में से टू सेमी सर्कल का क्या निकालो? एरिया निकालो. ओके. और बाद में उसको क्या, नहीं नहीं आपको बाद में भी क्या करने की जरूरत है? ठीक है. जब हम एक चीज, आप पहले जो मेरे को बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन में हम ऐसे टाइम लगा रहे हैं. एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता चला कि एक में आ जाओ, एक में फिक्स करो इसको, एक छोटे से स्क्वायर में आ जाओ. अब उस छोटे से स्क्वायर में ये वाली चीज को, फाइंड आउट करना आप. इस एरिया को फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? एक मिनट दोबारा से बना रहा हूं. यहां से देखो, एक सपोज करो ये फाइव है और ये फाइव है. अगर मैं इसको डायमीटर मानू ठीक है, छोड़ दीजिए, इसका मतलब आपके पास ये दो पोर्शन है ना, वन एंड टू. इन दोनों में हमने आगे मूव करना है. यस आयुष. सर इसको सेगमेंट की तरह नहीं निकाल सकते? दो सेगमेंट, ये बीच का हो गया फाइव रूट टू. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये देखो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया. तो इस 90 डिग्री में यहां से ही लग रही है ना, तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम थोड़ा सा उससे बच रहे थे कि सेगमेंट से ना जाया जाए, बट चलिए अगर हम सेगमेंट में चलें तो सेगमेंट में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस
वन बाई टू जस्ट आर स्क्वेयर, ये एक सेगमेंट का एरिया हो जाएगा बच्चे इसका, ध्यान से देखना। इस वाले का हो गया, अब इस सेगमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरे का हो गया, और फिर बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दो, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। यस सर, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। फिर से देख लीजिए बच्चे, या सीधा एट से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार सभी को, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से ड्रा आउट कर रहा हूं बच्चे, कहीं ऐसा ना समझ लेना कि सर हमें कंफ्यूज कर गया इस क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन इजी था। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास यहां से ऐसे पेटल से बने हुए थे, ठीक, थोड़ा सा उस तरह का डिजाइन तो नहीं बन पाएगा, बट एनी हाउ हमने क्या किया बच्चे, हमने ये किया कि इसको ऐसे और ऐसे फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मेरा फोकस ये है बच्चे इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट इस एरिया को। तो ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ये था फाइव और ये भी क्या था फाइव, और एंगल कितने डिग्री था 90। तो मैंने एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल जो आपने बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। चलिए ये एक का आ गया, अपने पास ऐसे कितने दिख रहे हैं हमें, टोटल 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास एरिया। अच्छा एक चीज और सुनो, आपकी बुक में आप देख रहे होंगे इसमें ना 1, 2, 3, 4 पोर्शन बनाए हुए, अगर वो उसका एरिया पूछ लेता तो फिर हम ट्रायंगल के सॉरी स्क्वायर के एरिया से इसको क्या कर देते, माइनस कर देते, एंड वी गॉट द आंसर। समझ गए? चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन बच्चे आपकी बुक से, मैं आपकी हेल्प लूंगा बीच बीच में से, ओके। Here is a square. बड़े easy question होने वाले हैं अभी। ये square हमारे पास किसका है, 14 सेंटीमीटर ईच है, हाँ जी। And what we want to find? We want to find the area of this yellow portion, हाँ जी। Anybody, जो मेरे को ये बताना चाहे कि इस तरह से ये क्वेश्चन को मैं करूंगा, वेरी गुड, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आई नो दैट। फरमान, फरमान, यस बच्चे, हाँ यस सर। सर सबसे पहले सर स्क्वायर की एरिया निकाल कर सर उसमें से टू सेमी सर्कल की एरिया माइनस कर देंगे, दैट्स आ जाएगा एरिया ऑफ दिस वन। व्हाट इज योर नेम बच्चे? चलिए तो देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो बड़ा सिंपल सा है, और सेमी सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखिए, सिंगल का पाई आर स्क्वायर, हाफ का पाई आर स्क्वायर बाई टू, बिकॉज ये टू सेमी सर्कल्स हैं तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो एक सर्कल ही हो जाएगा। गॉट द आंसर? 196 में से ये आंसर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये भी गलत आंसर। ओके, मैं कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन करूंगा बच्चे, सारे तो नहीं कर पाऊंगा। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये रहा,
हेयर इज अ सर्कल, ओके। और एक काम यहां पे ये किया गया बच्चे कि यहां से भी एक पोर्शन, यहां से भी एक पोर्शन, और यहां से भी एक पोर्शन, और यहां से भी एक पोर्शन कट कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे अपनी डायग्राम, वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस येलो पोर्शन। हाँ, थोड़ी सी इसकी डिमेंशन बताता हूं क्या है। ठीक, यहां पे टोटल रेडियस है 4 और ये जो पोर्शन कट किया गया है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड यहां पे जो सर्कल है उसका डायमीटर है 2, यानी रेडियस है 1। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आता हो या कर लेंगे। मैं पोल दे रहा हूं बच्चे, ए का मतलब आपको कर सकते हैं, बी का मतलब नहीं कर सकते। प्लीज फिल योर ऑप्शंस। ए मींस यू कैन डू, आप सबको आता है, और बी का मतलब नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहले रिजल्ट देख लीजिए। ये था आपका कंप्लीट स्क्वायर। ओके, इस कंप्लीट स्क्वायर का अगर मैं एरिया देखूंगा तो 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे जो अंदर में सर्कल है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, इंटीरियर सर्कल का क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 22/7 प्लस। अब आप एक चीज और देखिएगा कि यहां पे ये जो है ये एक सेक्टर है, तो हम सिंगल सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं बच्चे। वैसे तो देखिए ये 4 सेक्टर है, अगर 4 इक्वल सेक्टर को हम मिला दें तो एक सिंगल क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। बट फिर भी सेक्टर का एरिया हमें पता था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और अगर ये 4 सेक्टर का एरिया है तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4, तो आपके पास ये बच्चे बन गया पाई आर स्क्वायर। पाई इज इक्वल टू 22 और r की वैल्यू 1 थी, तो ये भी क्या हो गया 22/7। ध्यान दीजिए, ये टोटल एरिया था ऑफ द स्क्वायर, और ये दोनों एरियाज आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करने, तो आई कैन सिंपली राइट 16 − 44/7। किसी को अगर डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 68/7 सेंटीमीटर। हाँ जी, किसी का भी इसमें कोई डाउट हो कि मेरे को ये नहीं आया या आ गया, मोक्षिता। यस सर, एक तो मेरा जो पिछला ऐसे पिछला हमारे पास सम था एग्जांपल वाला, सर उसके अंदर जो आप हमारे को 1/1 स्क्वायर करके बता रहे थे सर, वो मुझे समझ नहीं आया। तो सर जो मैंने आपको बताया था मींस हम वैसे कर सकते थे ना, उसमें कैसे? आगे कुछ करना था सर, जैसे हम टू सेमी सर्कल का एरिया निकाल के स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते, सो हमारा आ जाता सर। ये आप ये कह रहे हो, और उसके बाद ये सर कि आप इनटू 4 कर देते इस सेमी सर्कल का एरिया, किसमें से माइनस कर देते सर, टू सेमी सर्कल का एरिया। हाँ, टू सेमी सर्कल का एरिया किसमें से माइनस कर देते सर, स्क्वायर के में से।
तो फिर तो आपके पास एक्चुअली मींस कॉरेस्पोंडिंग सेमी सर्कल्स सर जो एक साथ है, मतलब आप ये कहना चाहते हो, ये देखिए यस सर, कि तो सारे पैटर्न बच्चे देख फॉर्म ले, कर रहे हैं ये सर, ऐसे और ऐसे, यस सर, इसका देखिए आपने क्या कहा कि इन दोनों का एरिया मैं किस में से माइनस कर दूं, सर स्क्वायर के एरिया में से, तो फिर आपके पास रिमेनिंग एरिया कौन सा आएगा सर पैटल का चेक कर लीजिए भी। नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं सर, बच्चे, सीधा इसमें जाइए ना, मैंने आपको अभी ये करवा तो दिया, एक सेगमेंट का एरिया कीजिए ठीक है और उसको ओके 8 से सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना इजी है जी। यस सर, बट हमें पता कैसे चलेगा ना, ये सोच के कंफ्यूज हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं। एंड सर ओके सर, और सर जो ये अभी हमने करवाया है आपने ये क्वेश्चन नीचे में सर, ये 44 सर, 22 इंटू 22 कर दिया हमने, 44 सर, 7 इंटू 7 ओ भाई क्या कर रही हो तुम, मैंने ये दोनों को ऐड किया है, 22/7 प्लस 22/7, किस रूम में लगा मल्टीप्लाई किया है ये दोनों, अच्छा 22 × 22 मल्टीप्लाई करके 44 होता है, नो सर, ठीक, तो ये दोनों एरियाज ऐड किए गए, ओके ओके सर, चलो थैंक नेक्स्ट यू, चलते हैं बच्चे, हिमांशु बच्चे इनको आप मेरे से पूछ रहे हैं 68/7 कैसे है, इनकी सब्ट्रैक्शन कर लो और ऐसे ही आएगा। सर एक बार रिपीट कर दूसरे एरिया पर। देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेके चला मैं, पहले मैंने पूरे टोटल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, ये लो टोटल स्क्वायर का एरिया, आप सबको बताइए क्या है, 4 × 4 16 सेंटीमीटर। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो इंटीरियर में सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि ये अपने शेडेड पोर्शन का पार्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर 22/7 इसका एरिया होगा। नेक्स्ट चेक कीजिए बच्चे, नेक्स्ट ये जो था इट्स अ सेक्टर ना, इसकी ईच साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक सिंगल सेक्टर का एरिया बना के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये इन चारों सेक्टर का एरिया आ गया। अब देखो ये भी बाई चांस 22/7 ही आया और ये भी 22/7 आया, तो ये वाला जो एरिया था, ये दोनों एरियाज ये मेरे शेडेड पोर्शन के अंदर नहीं आते, तो मैंने स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स द एरिया ऑफ सेक्टर्स, फोर क्वाड्रेंट्स का काम कर रहे स्क्वायर सर्कल में, क्या क्या सर्कल वो तो ठीक है, ये अलग है बच्चे, ये चारों का अलग है, आप डायग्राम देखो। अच्छा मैं आपको ये तो बताना भूल गया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है 12.3 का, ओके यस सर प्लीज, आगे एक और क्वेश्चन में मूव करता हूं, अब चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हियर वी हैव टू सर्कल, कोई बात नहीं एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आएगा तो हम दोबारा से करेंगे, और क्या है, फर्स्ट सर्कल एंड देन वी हैव सेकेंड सर्कल, चेक कीजिए, हियर इज 40 degree एंड व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, येलो पोर्शन। अच्छा कुछ मैं रेडियस की बात बता रहा हूं, उसने कहा कि जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 7
ओके, एंड जो बड़ा है उसका क्या है 14। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक। और एक मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले हम क्या करेंगे, लार्जर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लार्जर, अच्छा इसको ऐसे सपोज कर लो, लेट द लार्जर सर्कल बी रेडियस बी आर टू एंड स्मॉलर सर्कल रेडियस बी आर वन। स्टार्टिंग कैसे होगी बच्चे, स्टार्टिंग ऐसे होगी, सेक्टर का एरिया पाई आर वन स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर टू स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चेक कीजिए, पाई इज कॉमन, थीटा इज कॉमन, 360 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 360। और आप सबको पता है बच्चे इसका फॉर्मूला होता है 14 प्लस 7 एंड 14 माइनस 7। सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आपका क्वेश्चन रेडी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 9। ओके, एग्जैक्टली आंसर बना के दीजिए कितना आएगा। कि इतना आंसर हमारा आ चुका है या आ जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं आप बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रैक्शन में छोड़ना चाहेंगे तो 154 अपॉन क्या आएगा 3, और अगर डेसिमल्स में करना चाहेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग 51 बच्चे 51। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है बच्चे। जैसे देखिए, एक आपकी ही बुक से ये क्वेश्चन ले रहा हूं। ही सेड कुछ इस तरह करके, डिमेंशंस बताऊंगा ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक। ही सेड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। दो ऑप्शंस है बच्चे, बताऊंगा आपको कैसे करना है। हाँ, डिमेंशंस देख लीजिए क्या क्या है। डिमेंशंस मींस आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज टू बी ड्रॉ। ये जो आर्क है ये है 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड क्या है 12। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन आपके साथ ही आई कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यू नो इट वेरी वेल कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 60 एंड 60। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं और कुछ नहीं देखता, हम सीधा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जैसे जानते हैं वैसे निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, बात खत्म। अब दूसरा एरिया बच्चे हम ये करेंगे कि हम इसका एरिया निकालेंगे और एंगल भी ये वाला यूज करें, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 300। एक होता है ना माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर, तो अब हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मेजर सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर इज गिवन टू यू। अब यहां पे नई चीज जो आई वो क्या हुई, 300 अपॉन 360।
360 बस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोनों को ऐड कर दीजिए यू विल गेट द आंसर. यस बच्चे सर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया अगर हम लोग कर सकते थे बिल्कुल कर सकते कैंसिल आउट कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं बट उसमें आपको तीन कैलकुलेशन करने पड़ती हम दो में ही ठीक हो गया हमारा yes, गलत sir. कुछ नहीं ठीक है okay, sir. वो भी Thank you, sir. वो भी ठीक है कोई इशू नहीं. यस थैंक यू वेरी मच सर. आगे मूव करते हैं बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चंस को हम आगे आगे करते जाएं जैसे नेक्स्ट देखिएगा एप्लीकेशंस का पार्ट ये बच्चे और कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें. व्हाट इज गिवन टू अस कि एक आपके पास सर्कल है और आई थिंक उस सर्कल के अंदर एक क्या बनाई गई है ठीक. अ सर्कुलर टेबल कवर अ रेडियस ऑफ 32. इस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस है वो कितना है 32 है. हमें किस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है बच्चे. चलिए बी रेडी आपसे पूछूंगा किसी से 1, 2 and 3. बहुत इजी चैप्टर है ये. हाँ जी सिवल शिवाली की चलो आवाज तो नहीं पहुंची पर मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती थी. ही सेड कि हम इसको इस तरह से एक सेक्टर में डिवाइड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे. हाँ बट एक ही चीज आपको चाहिए कि इसका जो एंगल बनेगा बिकॉज ये पूरी सिमेट्रिकल है इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा 120 डिग्री बिकॉज पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए 360. तो अब हमारा काम चलेगा बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इफ योर थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ और होता है. इफ थीटा इज लेस देन 90 फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ हम और लगाते. तो अब ये मोर देन 90 हो गया तो याद कीजिए इसमें फार्मूला था आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. पुट अप कीजिए ये वन सेगमेंट का एरिया हुआ और इसको अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से. ये इस टेबल क्लॉथ के तीनों सेगमेंट का क्या हो गया एरिया हो गया. यस संस्कृति एनी डाउट. आदित्य एंगल 120 कैसे लिया 120 कैसे लिया ये पूछ रहे हो. यस बच्चे ये देखो आप एक चीज चेक कर रहे होंगे जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ये जो आपकी एबीसी है ये जो एबीसी बीच में ट्रायंगल बनी थी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक. अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगे ना.
अब ये जो आपका सेंट्रल एंगल है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और तीनों इक्वल है, और तीन पार्ट्स में अगर सेंट्रल एंगल डिवाइड हो रहा है और तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ईच एंगल कितना आ जाएगा, 100 एंड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा. Got it? Yes, sir. चलिए आगे मूव करता हूं बच्चे. कैलकुलेशन बच्चे अपने आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा इसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लेना. हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी है. अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ग्राफिक्स इतने बड़े हैं हमें लगता है कि पता नहीं ये कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया. ठीक है, लीजिए व्हाट ही सेड. 1, 2, 3, 4. Okay, what is here? A, B, C and D. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. He said, find the area of this portion. ये जो मैंने रेड पोर्शन बना, और हम कैसे करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग वे में इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे. अच्छा मैं डिमेंशंस बता रहा हूं बच्चे. डिमेंशंस ये थी जो आपको दी हुई है. द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है इसकी टोटल साइड कितनी है, 14 है. तो अगर ये 14 है तो आप जानते होंगे कि ये कितना होगा, 7, और ये भी कितना होगा, 7. तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं इस स्क्वायर का ही एरिया फाइंड आउट करूंगा. एंड यू नो दैट स्क्वायर का एरिया क्या आने वाला है, 14 × 14 विच इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चे क्या होने वाला है. नेक्स्ट में हम जस्ट इस एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके और इस सेक्टर का एरिया आप जानते हैं क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 है, 90 डिग्री है, 22/7, और यहां पे आर क्या ट्रीट होगा बच्चे, 7. ठीक, तो 7 का क्या हो जाएगा, 49, और ये हो गया 154. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक, अब एक चीज और देखिए, एक चीज आपके साथ और करनी है. ये पता मैंने क्या कर दिया, ये मैंने चारों सेक्टर का एरिया ऐड करके बना दिया, क्योंकि ये जो 1, 2, 3 और 4 सेक्टर्स है मिलके सर्कल बना लेंगे. तो ये हो गया, दिस माइनस दिस कर दीजिए, आपके पास रेड पोर्शन का एरिया आ गया. बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, उसमें डायग्राम कुछ और बनी हुई थी, बट हमने ऐसा ही कुछ किया था कहीं पे. ये रहा, बट उसमें कुछ और था, उसमें कुछ और टाइप से कुछ आ रहा था कि ये वाली चीज निकाल. ठीक, बट सीक्वेंस ऑलमोस्ट ऑल क्या थी, सेम टाइप की थी. ओके, तो आपकी एक्सरसाइज में बच्चे क्वेश्चन तो काफी हैं, खैर 16-17 है, और ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज क्या किए, डिस्कस किए. एंड आई होप कि आपको थोड़े बहुत समझ भी लगे होंगे. ठीक है, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत डेफिनेटली क्या लगे होंगे.